आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 2020 का रक्षाबंधन सबसे अजीब सा रक्षाबंधन था। हमें सारे त्योहारों में सबसे अच्छा रक्षाबंधन का त्यौहार लगता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हम लोग रक्षाबंधन को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम क्लास में रहते थे तो रक्षाबंधन को बहुत धूमधाम से मनाते थे। जितने क्लास के स्टूडेंट थे, आप देखिए, इस साल हमारे यहाँ रक्षाबंधन में राखी बांधने वाला कोई नहीं था। इस साल मेरी हाथ ऐसे खाली रह गई। बहुत मिस किए इस बार आप लोग को, जबकि आप पिछले बार का रक्षाबंधन देखिएगा, ये जो क्लास में जो सुबह से ही लड़कियां जो आना चालू कर दी राखी बांधने के लिए, और सुबह से ही उन लोग का प्रोग्राम चालू हो गया। इतना मिठाई खिलाई थी सब पिछली बार, और वो भी कंपटीशन में कि सर उसका मिठाई खाए तो मेरा वाला क्यों नहीं खाएंगे। इतना मिठाई खाएंगे, हमको चक्कर आने लगा था पिछली बार मिठाई खा खा के, उतना लाइफ में कभी नहीं खाए थे, क्योंकि बहन भी तो मेरी सबसे ज्यादा थी। पिछली बार मेरी सारी बहनें इतना राखी बांधी थी, इतना राखी कि मेरा हाथ इतना भारी हो गया था कि हाथ नहीं उठ रहा था, और रक्षाबंधन में ना इतना लाइन लग गया था कि नीचे कहीं जगह नहीं बचा था, और राखी का हाथ एक के ऊपर एक राखी बांधने से इतना हाथ मोटा हो गया था कि अब वहाँ किसी की एक राखी बांधी नहीं जा रही थी। तो दो दो लड़कियाँ अपनी राखी एक में करके फिर बांध रही थी, क्योंकि उतना मोटा साइज के तो राखी आता नहीं है। लेकिन इस बार देखिए कोई बांधने वाला नहीं था। पिछली बार की राखी में तो सर में जो टीका लगाने के लिए सब चंदन लगा रही थी, मेरा जगह नहीं बचा था, इतना ज़्यादा चंदन लग गया था और हाथ नहीं उठ पा रहा था, इतना राखी हो गया था, लग रहा था जैसे हम कोई कवच वगैरह पहने, इतना भारी हो गया था। पिछली बार जो रक्षाबंधन के लिए इतना हम लोग पूरे कोचिंग को सजा दिए थे, इस बार जो है कोरोना की वजह से आप देखिए पूरा कोचिंग खाली पड़ा हुआ है। ये कोचिंग इतना याद आता है क्लास की कि लड़के इतने बदमाश थे सब क्लास के कि इधर लड़कियां जिधर बैठती थी उधर ठंडी के दिन में उनका कूलर चालू करके भाग जाते थे सब यहाँ पे। वो बदमाशी याद आती है ना तो अभी घर पे मन नहीं लगता है। वो क्लास का भीड़ जो एक दूसरे को ढकेल के चढ़ा दो पूरा ऊपर, उतरने टाइम एकदम जल्दीबाजी में उतरो, ये सब चीज़ को कोरोना ने हम लोगों से ये 2020 छीन लिया है। जल्दी से इसको कोरोना को भगवान भगाए यहाँ से, ताकि हम लोग के जीवन है फिर से आए, फिर वही खुशहाली के दिन आए, हम लोग अच्छे से रक्षाबंधन को मनाएं। पिछली बार क्या हुआ था कि जो शादी ब्याह का इंतजाम करते हैं लोग ना, मैरिज हॉल वाले, उन लोगों से कहते कि भाई साहब आपको ही खाने पीने का सारा इंतजाम करना है। तो उन लोगों ने हमको ना 70 आइटम बताया था पूरा खाने पीने का, इतना ज्यादा स्टॉल लगा दिया था। और इस बार उन लोग से हम पिछले साल ही कहते कि देखो अगला जो रक्षाबंधन आएगा ना उसमें कम से कम 100 आइटम रहना चाहिए रक्षाबंधन में, कि रक्षाबंधन की पार्टी ऐसी रहनी चाहिए कि उतना शादी ब्याह में नहीं रहता है। तो बेचारा इस साल वो लोग फोन किए थे लोग कि सर आप क्या इस बार प्रोग्राम रख रहे हैं। अजीब सा लगा हमको कि बताओ यार, हम एक साल पहले उन लोग से बुकिंग करके रखे थे कि इस बार का रक्षाबंधन और धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन कोरोना ने ना हमसे ये सब सारी खुशी ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, कोरोना भी भागेगा यहाँ से। इस कोरोना की वजह से इस साल हमको एक भी राखी बांधने को नहीं मिला, जबकि पिछली बार राखी बांधवाने के लिए उतना बड़ा कैंपस में जगह नहीं था, इतनी लड़की आ गई थी, ऑफिस भर गया था, फिर क्लास भर गया था, मेरा लाइब्रेरी पटना का सबसे बड़ा लाइब्रेरी उसमें तक जगह नहीं बचा था, इतना हो गया था वहां पे। अब माथा पे तो मेरा एकदम जैसे लग रहा था कि इस तरह से तो हमको नहीं लगता किसी का चंदन लगता होगा इस तरह से। खैर कोई बात नहीं, अगली बार प्रॉमिस करते हैं बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाएंगे। हम खुद ही वेट कर रहे हैं अगले साल के लिए। इस साल आप लोग बहुत लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहिएगा। एक्चुअली क्या है कि कोरोना की वजह से हम समझ रहे हैं सबकी पढ़ाई वगैरह भी डिस्टर्ब हो गई है। 15 अगस्त से आप लोग की क्लास को ऑनलाइन, मतलब जो ऐप है उससे क्लास को एकदम अच्छे ढंग से चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है वो क्लास पर यूट्यूब पर हम आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बताते रहते हैं, करंट अफेयर वगैरह को। अभी जो उसका जो ऑनलाइन चलाने का जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वो पूरी तरह से लगभग रेडी है, इसको हम लोग 15 अगस्त से पहले ही लॉन्च कर देंगे। लेकिन गर्ल्स लोग जरा एक बात देखिए, हम अपने यूट्यूब चैनल का आपको एक ठो एनालिटिक दिखा रहे हैं कि जो मेल लोगों की देखने की संख्या है, मतलब लड़कों की, वो 93% है, 93% से भी ज़्यादा, 93.8, और गर्ल्स को देखिए तो 6.2% है। इतना कम गर्ल्स देखती है, जबकि यूट्यूब एकदम ओपन प्लेटफॉर्म है। जितना गर्ल्स लोग, ये तो एज दिखा रहा है कि इस एज के लोग कितना देखते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि इंडिया में यूट्यूब पर जितनी लड़कियाँ पढ़ती हैं मेरे चैनल से, उससे तो ज़्यादा विदेश में मेरे चैनल को देखा जाता है, क्योंकि 90% ही लोग हैं जो मेरे चैनल को इंडिया में देखते हैं। बाकी देखिएगा सऊदी अरब, नेपाल, यूएई, अमेरिका, कुवैत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब में। यानी विदेश वालों की देखने की संख्या इंडिया में पढ़ रही लड़कियों से ज़्यादा हो गई। भाई आप लोग इतना पीछे क्यों रहिएगा, इसे काम चलेगा पीछे रहने से? अच्छे से पढ़ाई उड़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा, सब कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज़्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें कि ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे हैं कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला।
कोनो सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा एकदम करिया भूचेंग लेके चल जाएगा। इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई एकदम दिल से कीजिए। लड़कियों को एक बात और कहना चाहेंगे आज के दिन, देखिए लड़कियों में कुछ कुछ चीज़ें निगेटिव है। देखिए आप लोग ना दूसरे से अपना कंपेरिजन करने लगते, ऐसा नहीं किया कीजिए। दुनिया का हर आदमी एक दूसरे से यूनिक है, दूसरे को देख के। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर कोई औरत सोना पहनी है तो कोई पुरुष नहीं ध्यान देगा ना कि वो सोना पहनी है कि नकली सोना पहनी है, लेकिन महिला सब उन सब का आँख पता नहीं कैसा तगड़ा होता है, दूर से देख के जान जाएगी ना रोल गोल्ड है ये सोना है। अब एक वो सोना पहन ली तो दूसरा भी कहेगी नहीं हम भी सोना पहनेंगे। अजीब हाल है भाई। आप देखिए कभी मेल हमको देखते हैं, हम आज तक कभी घड़ी नहीं पहने, नॉर्मल कपड़े हम लोग भी पहनते हैं जो स्टूडेंट पहनते हैं। तो ये कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी सुंदरता गहनों से बने। आप अपने आप को इतना बेहतरीन बनाइए, पढ़ लिख कर इतनी बुलंदी पर जाइए कि जिस गहने को आप पहने ना तो उस गहने की सुंदरता आपके वजह से बढ़ जाए, न कि आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये मामूली गहने लगे। और दूसरे से कभी कंपैरिजन मत कीजिएगा कि वो इतना आगे निकल गया उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे है, कभी नहीं। अपनी हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए। कंपैरिजन कीजिएगा तो दुनिया आगे, फिर आपको टेंशन ही मिलेगा दुनिया में। और एक बात और कहेंगे गर्ल्स के लिए कि आप लोग क्या करते हैं ना, गुस्सा में मुंह फुला के बैठ जाते। देखिए ऐसे जो मुंह फुला के बैठा ले, कभी पापा से रूठ जाएंगी, कभी मम्मी से रूठ जाइएगा, भाई से रूठ जाइएगा। भाई बहन में तो झगड़ा नहीं हुआ तो फिर भाई बहन का रिश्ता में मजा क्या चीज़ है, वो डेली झगड़ा करते हैं सब। लेकिन मुंह नहीं फुलाना चाहिए, लड़ लो झगड़ लो, भाई को नहीं आता दो तीन हाथ लगा दो, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं बोलेंगे, बहुत खराब लगता है। ये मेंटेलिटी कब 1960 मॉडल का था, आप बताइए 1960 मॉडल का अगर आपको मोबाइल दिया जाएगा तो रखिएगा नहीं, तो 1960 मॉडल का गुस्सा क्यों रखते हैं भाई। कोई बात नहीं, बोल दिया है तो तुम भी बोल दो, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी बात। गुस्सा भी हो गए हैं तो डांट लीजिए, लेकिन ऐसे मुंह मत फुलाइए। आप इस चीज को बदलिए, कितना भी डांट दो, लड़कों को देखती है मार के मुंह हाथ भी फोड़ दीजिएगा, दो दिन बाद फिर मिलकर बात करेगा, साहब छोड़ो यार रात गई बात गई। तो ये मुंह फुलावल नहीं होना चाहिए। एक बात और कहेंगे कि देखिए आजकल क्या होता है ना, दो भाई बहन में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, तो अगर भाई मान लीजिए बिना मतलब भी आपको डांट रहा है, अब भाई बहन से नहीं झगड़ा करेगा तब किसे, यही तो एक रिश्ते की खूबसूरती है भाई बहन की, वो उसको बोलेगा वो उसको बोलेगा। कभी कभी ये जो मजाक वाला झगड़ा होता है कभी सीरियस हो जाता है, तो बहन भी बोल देती है भाई भी बोल देता है। हम दोनों को कहना चाहते हैं कि जिसका देखिए कि अगर सामने वाला भाई है मम्मी है या कोई भी है ज़्यादा गुस्सा में है और बिना मतलब भी आपको बोल रहे हैं तो चुप हो जाइए, कोई बात नहीं, ज़िंदगी आपकी आज ही थोड़ी ना ख़त्म होने जा रही है। आप उसको इंतज़ार कीजिए, अगले दिन या दो दिन बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तो खाना ले जाने दीजिए, और उस वक्त अपने भाई से पूछिए तब रे तुम हमको कल क्यों बोल रहा था। अब क्या है कि अब आप उसको दुन्ना भी बोल दीजिएगा ना तो सुनेगा वो, लेकिन उसी वक्त जिस दिन जिस वक्त झगड़ा चल रहा था उस वक्त आप थोड़ा भी बोलिएगा तू तू मैं करके बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमाइएगा, आपसे कभी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आज आप अपने घर पे हैं, कल को शादी ब्याह हो जाएगा, अपने ससुराल चली जाइएगा, वहाँ ननद मिलेगी, ननद और भौजाई का झगड़ा तो पूरा भाई इस पूरी विश्व में प्रचलित है, फिर सास मिलेंगी हस्बैंड मिलेंगे, किसी किसी बात को लेकर तू तू मैं हो जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको कोई कुछ बोलता है ना तो इतना एकदम तुरंत मत जवाब दे दीजिएगा भाई। अगर बोल रहा है परिवार के लोग ही आपको बोलते हैं, हम कभी जाएंगे किसी दूसरे को बोलने के लिए, जो अपना होता है उसी को बोलते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक दिन दो दिन बाद आप उससे ज़्यादा बोल लीजिएगा वो सुन लेगा, लेकिन उस टाइम करिएगा तो फिर झगड़ा लड़ाई आगे बढ़ जाता है। और ऐसे होंगे ही नहीं कि किसी भी परिवार में या दो रिश्ते में कभी झगड़ा लड़ाई ना हो, दो बर्तन रहेंगे तो खनकेंगे, यही तो रिश्ते की खूबसूरती है। अगर कोई आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहा है, कोई आपको टोक नहीं रहा है, कोई आप पर मतलब नज़र नहीं रखता है, मतलब उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपका भाई तो आपको बोलेगा अरे क्या कर रही थी, क्योंकि आपसे उसको लगाव है, बाकी कोई मतलब है आपको क्या कर रही हैं कहाँ थी कोई मतलब नहीं रहता है। तो कोई आपको डांटता है तो आप उसको निगेटिव मत लीजिए, आप ये सोचिए कि उसको आपसे कितना लगाव है। और स्पेशली हम आज आप लोग से कहना चाहेंगे, लड़कियों लोग से, कि जो आप लोग उम्मीद लगा लेती हैं ना कि हम किसी से, तो ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम सबको ये कहना चाहेंगे ना कि देखिए ज़िंदगी में आपके 75 आएंगे 75 जाएंगे, ज़िंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा ढूंढ के लाएंगे। आपका एक गलत कदम ना आपके पापा का आपके भाई का सर ज़िंदगी भर के लिए नीचे कर देगा। कभी कभी देखते हैं कई लड़कियाँ गलती में आके जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती हैं, किसी दूसरे के साथ भाग जाती है, ये सब कितना गलत है। कभी सोचेंगे आप कितना तकलीफ होता है, बचपन से पाला गोद में आपको चलना सिखाया उंगली पकड़ के, आप उसको कम से कम खुशी नहीं दे सकती तो आप उसका सम्मान तो नहीं छीन सकती ना आप लोग इसको, ये कभी नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि किसी के साथ भाग जाते हैं ऐसे शादी ब्याह करके, आपको पता है 20 साल बाद भी ना अगर आपके भाई से किसी का झगड़ा होगा ना तो आदमी क्या बोलेगा कि तू क्या बोलता है, तेरी क्या औकात है, तेरी बहन भाग गई थी। क्या यही दिन दिखाने के लिए एक भाई अपनी बहन को बड़ा करता है, एक माँ बाप अपनी बहन को अपना पेट काट के पढ़ाते हैं दूसरे को,
इतना इस सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी भी उस व्यक्ति की उम्मीद मत तोड़िएगा जिसकी आप आखिरी उम्मीद है। माँ बाप के आप लोग आखिरी उम्मीद है, कोई लड़का या कोई लड़की हम दोनों को कहते हैं। लेकिन देखिए हम क्या कहते हैं, ये समाज जो है ना पुरुष प्रधान है, लड़का कुछ भी गलती कर देता है लोग उसको उतना नहीं बोलते हैं, लड़की से थोड़ी गलती हो जाती पूरी समाज चढ़ जाता है। ये हमारे समाज का एक रवैया चलते आ रहा है। बारिश होती है तो बारिश को थोड़ी ना रोक सकते हैं, छाता लगाते हैं। तो इस चीज़ का बाबू जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो आजकल के जो रिलेशन होते हैं बहुत दिखावा, इसमें दिखावा ज़्यादा होता है, रिश्ते ज़िंदगी भर ये लोग कभी नहीं निभाते हैं। कहना चाहते हैं आप लोग को कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो गजनी और तेरे नाम देख लो क्या हुआ था उन लोग का। गर्ल्स लोग एक और जो ये बीक होता है ना गुस्सा, आजकल की लड़कियाँ ना बड़ी बिखिया जाती हैं, ऐसे देखेंगे ऐसे करते हैं, बताइए भगवान अगर कहीं अंश ही रह के छोड़ दिया तो दिक्कतें हो जाएगा। तो ऐसा बीक मत किया कीजिए। ज़िंदगी में जो इंसान अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लिया ना कि हमको क्या बोलना है, और गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया ना, पूरी दुनिया को जीत सकता है। कभी भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह होता है, जिस तरह से भोजन परोसने से पहले चख लेते हैं, वैसे ही आप लोग भी किसी से बिहेव करने से पहले एक बार उसको चख लिया कीजिए कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं। एक बार क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, लड़कियां लेट हो जाए, जो लड़कियां देख रही हैं उनको पता होगा, अगर लड़की गलती से भी क्लास में लेट आई ना तो उसको बहुत बोलते थे हम। लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता था, सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा क्लास रहता था उसमें हम खुद ही 15-20-25 मिनट लेट हो जाते थे हम, क्योंकि सैटरडे वाले क्लास 3-4 घंटा चलता था तो हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे। कोई लड़की बोलती नहीं थी। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं तो आप इतना बोलते हैं, आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें आपको तो बोलने वाला कोई है नहीं है। इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज़ हो गया, हम कहें कि तू हमको सिखा रही है, हंसी मजाक में ख़त्म हो गया यहाँ चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिएगा। आप दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, और आप कितने बुलंदी पे चले जाएंगे ना लोग आपको गाली देने वाले मिलेंगे ही। आप राष्ट्रपति से लेकर देखिए, आप नरेंद्र मोदी से तो बड़े नहीं ना हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी आपको देखिएगा गाली देने वाले मिलेंगे सब आपको। हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम इतना मेहनत से चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं कोई भी चीज़ को। अभी क्या किया, एक लड़का कमेंट किए, देखिए इनका कमेंट देखिए, हम जानबूझ के आपके सामने लाए, लिखे कि साले पैसे की फंडिंग करके तू पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा। आप जरा देखिए, ये भाई साहब को मेरे लिए कुछ नहीं पता है, पटना में आज भी अगर किसी को ब्लड घट जाता है तो मेरे पास आता है, अनाथ बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है, ये सब ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अब एक नॉर्मल आदमी क्या रहेगा, या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा। हम ना इसको गाली दिए ना इसे ब्लॉक कर दिए, इनको आराम से जवाब दिए कि भगवान ना करे बट लाइफ में आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा, आई एम इंडियन मुस्लिम, मुझे आपसे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए, आप 100% कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज़ में कमियां निकाले। आप ताजमहल घूमने जाइएगा, वहाँ भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे, और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है, वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। और इस तरह के घटिया लोग 1-2% है, बाकी 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो 98% लोग शांति से रहते हैं, और यही जो खचरई करते हैं ये दिख जाते हैं, तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग केवल 2% है, और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए अब नहीं, वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। आपको पता है, ये भाई साहब मेरा फिर से रिप्लाई किए थे कि सॉरी सर हम आपके बारे में बोल दिए, लेकिन अगर हम इसे गाली देते तो ये फिर पलट के गाली देता, क्योंकि शुरुआत में ही गाली ये दिया हुआ था। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी जिंदा है, केवल अपने जुबान पे आप कंट्रोल रखें। पता है मोहल्ले में सब हमको क्या बोलते थे, तेरी बहन नहीं है, मतलब एक अजीब टाइप का तंज करके देखते लो, और सच में हमको बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन नहीं है। आज के दिन जब देख रहे थे कि सबके कलाई पे राखी था, मेरे कलाई पे राखी नहीं था। बहुत सी लड़कियां कोचिंग में भी राखी भेजी थी,
थी, लेकिन वो चीज़ नहीं रहता, वो एक खुशी अलग होती है जब बहन सामने रहे और राखी बांधे और उसके बाद कुछ मांगे कि ला हमको ये चाहिए, वो चीज़ ही अलग है। कहा भी जाता है ना कि नोट की पेटी और घर में बेटी केवल नसीब वालों को मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान नहीं दिया तो क्या दिक्कत है। मांझी द माउंटेन मैन मूवी में वो क्या बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भगवान के भरोसे मत बैठल लो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। हम भी यही सोचे, सही बोलता है, भगवान हमको बहन नहीं दिया, देख लीजिए भगवान भी देखता होगा तो कहता भाई क्या किया, इतना भयानक राखी कहाँ से इसको बांध दिया गया। इतनी राखी तो हमको नहीं लगता है कि किसी को भी कोई बांधने को आज तक किसी को इतनी राखियाँ नसीब हुई होंगी। लेकिन फिर भी इस साल बहुत मिस किए ये राखी हमको, रक्षाबंधन का त्यौहार, सभी त्यौहार में इसी का तो एक इंतजार रहता है रक्षाबंधन का, इस बार बहुत मिस किए। लेकिन आप सबसे हम कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो 2021 में रक्षाबंधन आएगा उसमें आप लोग कभी मिस नहीं कीजिएगा। हम तो कहेंगे कि अगली बार इतना राखी बांधिएगा कि सोचना पड़ेगी अब नया राखी बांधने का जगह कहाँ बचा हुआ है। मेरे ओर से आप सब लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपको हर एक खुशी दे, हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे, जल्दी से जल्दी आप लोग को कोरोना भागे और फिर से जनजीवन चालू हो, फिर हम अपने क्लास में मिले और जल्दी जल्दी जॉब हो, आप लोग नौकरी लेके जल्दी से जल्दी जाइए। बहुत खुशी होता है कि बैच के बहुत से लड़के लड़कियाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं अभी पुलिस फोर्स में, कोई इंस्पेक्टर, कोई कुछ, कई लड़कियाँ को ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगा, वो बताती हैं कि सर कोरोना के पेशेंट ऐसे आते हैं, हम लोग ऐसे ठीक करते हैं। बड़ा खुशी होता है कि जिन लोग को हम पढ़ाए थे आज वो लोग इतने महान हो गए कि देश की सेवा करने लगे। बहुत जल्द हम लोग 15 अगस्त के लगभग या उससे पहले ही हम लोग अपना ऐप बना लेंगे, फिर उस पर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे रेगुलर वे में। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप लोग जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक बच के रहिएगा। नवंबर से पहले ऐसा उम्मीद नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए, देखिए नवंबर तक आ जाना चाहिए। तब तक आप लोग अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा गिलोई जो आयुर्वेदिक है उसको लेते रहिएगा, काढ़ा हमेशा पीते रहिएगा, दूध अंडा ये सब का सेवन आप लोग बढ़ा दीजिएगा, शरीर में फ्लूट की मात्रा रहे ताकि आप लोग सुरक्षित रहे और कोरोना के बाद हम लोग सब फिर से उसी तरह खुशहाल जीवन रहो, हम सब फिर आके मिले।